Dear students, welcome on RCE Online Pathshala. Now we start question number 8 and this question is very important. और इस क्वेश्चन में ये जो शो दैट है इसका मतलब है प्रूव दैट. और इस क्वेश्चन में मुझे तो इम्पोर्टेंट ये लाइन लगती है ऑल्सो एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली. मतलब आपके पास ये लिखा हुआ है इसको ज्योमेट्रिकली आप कैसे बता पाएंगे, मतलब अपनी भाषा में. जैसे आप मार्केट गए और आपने 100 रुपीज का कोई इक्विपमेंट्स खरीदे तो वो आपने कैसे क्या क्या खरीदा वो आप हर चीज का डिटेल में बता रहे हो. उस प्रकार से बोला है कि ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है ये आपको बताना है. तो उससे पहले ये मैथमेटिकल जो प्रूव करना है उसको मैं लिखता हूं. टू प्रूव क्या है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी. और ये आपके पास क्या है 2 into a क्रॉस b. देखो मैं इसका LHS लेता हूं. ध्यान देना थोड़ा सा इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इस वीडियो की थोड़ी लेंथ जाएगी, लेकिन आपको बहुत ध्यान से और 3 से 4 बार देखना है. देखिए a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी. उसके बाद देखो इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा a क्रॉस a क्रॉस b माइनस बी क्रॉस a माइनस b क्रॉस b. यही आया. अब आपको पता है a क्रॉस a क्या होता है 0 वेक्टर, ऐसे ही b क्रॉस b क्या होता है 0 वेक्टर. ये पता कैसे लगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था i क्रॉस i 0 लिखा था, लेकिन याद रखना वो 0 वेक्टर होता है क्योंकि आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी आपको मिलेगी वो वेक्टर ही होती है. तो देखिए आप क्या लिखेंगे 0 वेक्टर प्लस a क्रॉस b. और यहां देखिए मैं इसको लिखता हूं प्लस का a क्रॉस b, अभी बता रहा हूं कैसे आया है. और ये माइनस का 0 वेक्टर. तो बच्चों ये आपने पढ़ा था a क्रॉस b किसके इक्वल होगा माइनस का b क्रॉस a. तो b क्रॉस a किसके इक्वल होगा माइनस का a क्रॉस b. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया. और यहाँ आप क्या लिख सकते हो 2 into a क्रॉस b. और ये किसके इक्वल है, ये आपके RHS के इक्वल है. इस प्रकार से आपने इसको मैथमेटिकली बता दिया है. अब इसके बाद आपको इसको ज्योमेट्रिकली बताना है. तो देखिए अब ज्योमेट्रिकली हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो अब देखिए. आप मैं इसको एक बार हटा देता हूं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. अब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको थियोरेटिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन को. तो मैं लिखता हूं यहां पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन. और वो देखिए किस प्रकार से होगा, ध्यान देना. देखो लेट a b c d b a पैरेललोग्राम हो गया आपके पास. अब इसको मैं बनाता हूं एक बार. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे कर रहे हैं. a b c d और उसके बाद देखिए इसको आप इससे और इसको आप इससे, ये इसके डायगोनल्स हो गए. तो इसे आप a वेक्टर, इसे आप b वेक्टर बोल दीजिए. कितना हो गया, तो देखिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा. a वेक्टर एंड b वेक्टर are two adjacent sides of a parallelogram. तो देखिए आप कैसे लिखेंगे from above figure a vector and b vector are two, या आप इसको और भी अच्छे तरीके में लिख सकते हो फ्रॉम अबव फिगर ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर एंड ए डी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर आर टू adjacent, two adjacent sides, ठीक है। यानी आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दो, ए बी वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर और ए डी वेक्टर इक्वल टू में बी वेक्टर। अब समझो इस चीज को, देखो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है कि ये और ये, मतलब ये दोनों इस प्रकार से आप करते हो तो ये जो मार्कर और ये डस्टर है ये आपस में एडजेसेंट है एक दूसरे के। तो ए वेक्टर यानी ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और ए डी वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर, आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा लिख सकते हो ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन एसेंस ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर एंड ए डी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब उसके बाद देखो, ध्यान देना, देखो ये ए डी आपके पास बी है तो 100% बी से भी आपके पास क्या रहा होगा, बी। तो देखिए अब मैं पहला जो ट्राइंगल लूंगा वो ए बी सी लेता हूं। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी by triangle law of addition क्या होगा, देखो ए बी और बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। अगर मैं यू बना दूं तो ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। बोलो सही है क्या नहीं है, ए बी बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो यहां से क्या हुआ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, भाई ab का वैल्यू क्या है a वेक्टर और bc का वैल्यू क्या है b वेक्टर, इक्वल टू क्या होगा ac का वेक्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर। उसके बाद देखो अब अपने को नेक्स्ट, देखो ध्यान देना, आपने इसके बारे में बता दिया, देखो ये ab वेक्टर क्या है a वेक्टर, आपने इसके बारे में बता दिया, ad क्या है आपका b वेक्टर, और आपने a प्लस b के बारे में बता दिया कि ये क्या है ए सी वेक्टर। अब आपको बताना क्या है, इस ए माइनस बी के बारे में बताना है। तो देखिए अगेन नाउ मैं इनको बहुत अच्छे ढंग में आपको नोट सेंड कर दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर पूरा फोकस समझने पे लगाइए। अपने को क्या बनाना है, ए माइनस बी। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान देना, अगेन इन अगेन नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी by using triangle law of addition क्या होगा, देखो ध्यान देना, b प्लस डी बी, बी प्लस डी बी, ये मैं अपनी तरफ से बोला हूं, डी बी इक्वल टू क्या होगा, इस b को भी आप ऐसे लिखो ए डी, AD देखो ना, AD DB इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर को भी क्या लिखोगे, AB का वेक्टर, बड़ा आसान रहेगा। DB वेक्टर क्या होगा, AB माइनस का AD वेक्टर, और यहां से क्या आया, DB वेक्टर इक्वल टू A माइनस बी। और ये आपके पास एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो मैं DB ये जो साइन लगाया हूं डायगोनल्स पर, वो a माइनस b लाने के लिए लगाया हूं अपनी तरफ से। ये चीज आपको अपने से करना है कि कैसे a प्लस b आएगा, किस प्रकार से आपको डायरेक्शन लेनी है। और इसके लिए हमने 13.1 में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, और उसके थ्रू हम बताएंगे कि भाई दो ये साइड्स हैं वो तो क्या है r इन सेम डायरेक्शन, वो किसके उनका जो एडिशन होगा वो उस साइड के इक्वल होगा जो उनके क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो इस प्रकार से हमने, देखो मैं BD भी ले सकता था, तो A प्लस BD इक्वल टू B, तो BD इक्वल टू क्या आता, BD इक्वल टू आता B माइनस A। वो अपने को चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, A माइनस B। इसलिए अपनी मजबूरी बननी थी कि इसको डायरेक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने की। अगली बात समझ में, उसके बाद देखो आप यहां तक कर चुके हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, अब यहां पे लिखना, इस लाइन को फिर दोबारा से लिखना। देखो आप यहां तक लिख दिया था, उसके बाद में आपने इसको लिखा, फिर लिखना है फ्रॉम Question, we know that ये लिखा, उसके बाद देखो a माइनस बी का वैल्यू क्या है, डी बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, डी बी वेक्टर क्रॉस, और a प्लस बी का वैल्यू क्या है, ए सी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए बी वेक्टर इंटू ए डी वेक्टर। देखो ये आया कैसे, देखो डी बी का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह मैंने dp लिख दिया। उसके बाद क्या है a प्लस बी, ए प्लस बी की जगह क्या लिखा है मैंने ए सी, फिर 2 है, फिर ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे ए बी, और बी वेक्टर की जगह ए डी, कंप्लीट। अब ये आपके पास आ चुका है। फ्रॉम अबव कंडीशन इट इज क्लियर दैट वेक्टर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इन पैरेललोग्राम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या है डायगोनल, डीबी एंड एसी, डीबी एंड एसी इज 2 टाइम्स of vector product of 2 adjacent sides। आपको पता है कि आपके पास adjacent sides क्या थी, AB और AD। तो कहने का मतलब है अगर आप इस लाइन को नहीं लिखोगे और आपने पूरा सही लिखा तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर रही है वो यही लाइन है। क्या कहा, फ्रॉम अबव कंडीशन इट इज क्लियर दैट इन पैरेललोग्राम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। क्या है डीबी एंड एसी, देखो वेक्टर प्रोडक्ट है बोथ डायगोनल्स का, क्या होगा इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स, 2 एडजेसेंट साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड्स। तो कहने का मतलब है आपने ये बनाया था तो ए बी सी डी था, ये क्या है ए बी और आपका ए डी, 2 एडजेसेंट साइड्स है इसकी, और ये मैंने आपको लिखवाया भी है कि ए बी एंड ए डी आर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। तो वही कहा है मैंने कि डायगोनल्स का जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो 2 टाइम्स किसके होगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट एडजेसेंट साइड्स को करने पे आ रहा है। तो आपको जैसा पढ़ाया है ऐसे का ऐसा इसको नोट करना है, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, तो थोड़ा सा अच्छे से करना है। आज के लिए इतना ही।